अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त, और इसकी रेसिपी बेहद आसान है अगर आप इसको फॉलो करें तो। ठीक है जी, हमें इस किस्म की गोभी पसंद है और बनाते भी ऐसे ही हैं। ये बॉईल किया हुआ गोश्त है, और जी हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरा धनिया और गोभी, ठीक है, ये हमने लिए हैं, और हरा धनिया भी है इसके साथ, टमाटर भी हैं। और जनाब अब हम इसको थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एक अच्छा सा प्रीव्यू आपको दिखा दूं, एक प्यारी सी वीडियो बना के आपको दिखा दूं। और अब जनाब हमने प्याज को चॉप करके इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए, कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हमने करना है और लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन करना है। और उसके बाद फिर हमने मज़ीद रेसिपी शुरू करनी है। अब जी टमाटर लेके हमने चॉप करने शुरू कर दिए हैं, ताकि जब तक प्याज अपनी शक्ल बदले तब तक हम रेडी हो चुके हों, और टमाटर जो हैं वो चॉप हो चुके हों अच्छे तरीके से। और इस तरीके से आपने टमाटर अच्छे से चॉप करने हैं, ताकि जल्दी से वो बीज में गल भी जाएं, उसमें यकजान हो जाएं जब हम अनियंस में डालें तो। और जनाब अब इसमें हमने डालना है टमाटर, क्योंकि अब ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो चुके हैं, और इनमें टमाटर डालना है और इनको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और सॉफ्ट होते ही चले जाएं। चूंकि टमाटर में अपना भी पानी होता है, तो हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे पानी को, देन उस स्टेज पे ये आ जाएगा जब ये ड्राई होके सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, और वो बेस्ट स्टेज होगी कोई भी सब्जी डालने के लिए। लेट्स सी, इसमें हम सब्जी, अब इसमें हमने अदरक लहसुन डाल दी है, और उसको हमने अच्छे से सॉफ्ट करना है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, और हम सब्जी डाल चुके हैं, यानी गोभी और हरी मिर्चें भी, और दम पे हमने इसको लगा दिया था। अब जनाब देख लें, ज़बरदस्त किस्म की गोभी गोश्त तैयार, और देखने से ही पता चल जाता है कि बहुत मज़े की है। आप इसको नान के साथ लें, चपाती के साथ लें, या फिर पराठे, पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।
अब हम चले हैं पार्क में, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी मेरी बेटी की, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और सोचा कि इनको सैर कराते हैं। अब जनाब कुछ रिफ्रेशमेंट का टाइम है, तो थोड़ी सी हमने इनको शरबत वगैरह दिया, ठंडा दिया कि थोड़े बच्चे फ्रेश हो जाए। अब ये जी हमारे माइलो के पीछे पड़ गए। उस रोज़ तो माइलो के मज़े थे, क्योंकि सभी इसके दीवाने हो रहे थे और उसके पीछे पीछे थे, लेकिन ये किसी को लिफ्ट कराने के चक्कर में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आखिर तक हार कर ये लोग खड़े हो गए। इन्होंने कहा चलो जी, जब इसका मूड होगा तब ही हम इसके साथ खेलेंगे। और इसी के साथ इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से लॉक के साथ।